अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर उभरते हुए नौजवान हैदर अली के बारे में, जिन्होंने अपने पहले T20 इंटरनेशनल डेब्यू में 50 स्कोर्स करके पाकिस्तानी हिस्ट्री के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और जिन्होंने PSL 2020 पेशावर जुल्मी से खेलते हुए किसी भी बॉलर को अपने सामने टिकने नहीं दिया और चौकों और छक्कों की बारिश करते गए। व्यूअर्स, इसके साथ साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हैदर अली ने अपने क्रिकेटर बनने तक का सफ़र कैसे तय किया। लेकिन व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। हैदर अली 2 अक्टूबर 2000 में अटक पंजाब में पैदा हुए। हैदर अली राइट हैंडेड बैट्समैन है और हैदर अली की हाइट 6 फीट है। हैदर अली ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इन्होंने क्रिकेट खेलना साल 2015 में एज अ टेप बॉल शुरू किया। हैदर अली को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और इन्होंने बताया कि मेरे वालिद साहब को भी क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और मुझे बहुत सपोर्ट किया करते थे और उन्हीं की वजह से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और साथ साथ स्टडी भी करता रहा। हैदर अली कहते हैं कि मैंने टेप बॉल में बहुत नाम कमाया और फिर इन्होंने अटक में ही हार्ड बॉल क्रिकेट खेलने के लिए अल फैसल क्रिकेट क्लब को ज्वाइन किया, जहां से इन्होंने हार्ड बॉल की बहुत प्रैक्टिस की और मैं दाद देता हूं मलिक फारूक को, जो कि हमारे क्लब के कैप्टन थे, जिनकी वजह से मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। हैदर अली ने इस क्लब से खेलते हुए इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई कि इनको डोमेस्टिक करियर में नेशनल T20 क्लब 2018 में रावलपिंडी की टीम से खेलते हुए T20 डेब्यू करवाया गया और इनकी शानदार बैटिंग को देखते हुए इनको कायदे आजम ट्रॉफी 2019 और 2020 में नॉर्थर्न स्क्वाड से खेलने का मौका मिला। इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पाकिस्तान अंडर 16 और फिर अंडर 19 में एज अ वाइस कैप्टन खेलते हुए नजर आए। व्यूअर्स, हैदर अली ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 8 मैचेस में 46.57 की एवरेज से 652 रन स्कोर किए। इनकी शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए हैदर अली को PSL 2020 में जावेद अफरीदी ने पेशावर जुल्मी की टीम में चुन लिया। व्यूअर्स, हैदर अली वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने पहले ही PSL सीजन में 14 सिक्सेस मारे और किसी भी बॉलर को अपने आगे टिकने नहीं दिया। इसके बाद PSL में इनकी परफॉर्मेंस देखते हुए हैदर अली को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2020 और 2021 के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने एमर्जिंग कैटेगरी में सेलेक्ट किया। इसके बाद 21 अगस्त 2020 में हैदर अली को इंग्लैंड सीरीज के लिए चुन लिया गया, लेकिन बदकिस्मती से पहले 2 मैचेस में इनकी प्लेइंग 11 में जगह ना बन सके, लेकिन जब इनको थर्ड T20 मैच में खेलने का मौका दिया गया तो ये खुद को मनवाने का गोल्डन चांस था और इसी गोल्डन चांस से हैदर अली की तरक्की की राह हमवार हो गई और उनकी तरक्की का सफ़र शुरू हो गया और वो मुस्तकिल तौर पर टीम का हिस्सा बन गए। इस मैच में इन्होंने अपने T20 डेब्यू में 33 बॉल्स पर 54 रन कर लिए और एक मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी डेब्यू में 50 करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। व्यूअर्स, हम फ्यूचर में भी उम्मीद करते हैं कि हैदर अली माजी की तरह अच्छा परफॉर्म करके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम ज़रूर देंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी होस्ट माफिया को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।